हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो आज हम 19 और 20 के करंट अफेयर प्लस करके देखेंगे, पिछले दिन के भी और आज के करंट अफेयर साथ में देखेंगे। तो आर्टिकल डिस्कस करते हैं, आर्टिकल 324 के बारे में न्यूज़ है। तो आर्टिकल 324 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देता है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को बोला गया है कि वो सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल करेंगे इलेक्शन के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 324 के तहत उनको पावर दे दी गई है कि ये काम करने के लिए वो किसी भी तरीके से इसको करने के लिए इनके पास में किसी भी तरीके की पावर है। तो इसके मतलब इनको बोल सकते हैं कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिली हुई है, अनलिमिटेड पावर है, जो कि इलेक्शन को अच्छे से करवाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है इनके द्वारा। तो फर्स्ट टाइम इस आर्टिकल को इन्वोक किया गया और इनके द्वारा यूज़ की गई पावर को, जिसके अंतर्गत में इलेक्शन कमीशन ने अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर पास किया। और वेस्ट बंगाल के अंदर में एक तो कैंपेन को एक दिन पहले ख़त्म किया, वो तो आपको पता होगा। उसके अलावा जो होम सेक्रेटरी थे और सीनियर पुलिस ऑफिसर, उनको रिमूव किया गया उनकी पोस्ट से। तो ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया। इसके बारे में और ज़्यादा आपको न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। सेक्शन 28A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट वन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि बतानी पड़ती हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो। उसको बताने के लिए, जैसे मान लो आप किस तरीके से पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन कैसे होंगे, डिस्क्वालिफिकेशन अगर करनी है किसी कैंडिडेट की वो कैसे होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सब कुछ लिखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वैसे भी दुनिया में सबसे बड़ा है। तो उसी के लिए और ज़्यादा इलेबोरेट वे में बताने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पास किया जाता है। उसी एक्ट के अंतर्गत में और ज़्यादा इलेबोरेशन दी गई है। इसके अंदर बोला गया सभी ऑफिसर जो कि डिप्लॉय किए गए हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के कंडक्ट के लिए, वो इलेक्शन कमीशन की डेपुटेशन पे हैं, उनके अंडर आ रहे हैं वो, और उनके पास में पावर है कि उन ऑफिसर को वो रिमूव कर सकते हैं। तो इस पावर का यूज़ करके इनके द्वारा रिमूव किया गया उन ऑफिसर को। तो आपको बस पता होना चाहिए 324 के बारे में और इसके बारे में, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 28A के बारे में। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। तो केमिकल वेपन की प्रोहिबिशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया है, इसके बारे में न्यूज़ है। न्यूज़ क्यों आई इसके अंदर में, रशिया के द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगती हैं कि इनके द्वारा सीरिया के अंदर में केमिकल वेपन का यूज़ किया गया। तो केमिकल वेपन का यूज़ सीरिया में किया गया। उसके अलावा आपने इनका स्पाई था उसको किल करने के लिए ब्रिटेन में इनके द्वारा केमिकल वेपन का यूज़ किया गया। अब इनके ऊपर जब एलिगेशन लगेंगी तो एक्शन लिया जाएगा इस बॉडी के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। लेकिन रशिया के द्वारा एक सिक्योरिटी रिजोल्यूशन लेके आइए, जो कि इनके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन को दिया गया। इस सिक्योरिटी रिजोल्यूशन के अनुसार इनके द्वारा बोला गया कि हमारे खिलाफ या किसी भी के भी खिलाफ अगर कोई केमिकल वेपन का यूज़ करता है तो उसके खिलाफ अगर कोई भी एक्शन लिया जाएगा वो लिया जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत में। मतलब आपको कोई पावर ना हो उसके अंदर में और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में तो वीटो है इनकी, अगर वीटो है तो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो इनके द्वारा ये रिजोल्यूशन लेके आने की कोशिश की गई। अब रशिया के द्वारा बोला गया कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन है इसको हाईजैक कर लिया गया है, वेस्टर्न जो एजेंडा है यूएस वगैरह उनके द्वारा हाईजैक कर लिया गया है, बिकॉज इनके द्वारा ये रिजोल्यूशन लेके आए और इसका काफ़ी विरोध किया गया वेस्टर्न जो पार्टीज़ हैं उनके द्वारा। तो ये इनके द्वारा बोला गया रशिया के डिप्लोमेट के द्वारा। और दूसरे उन लोगों का क्या मत है, उनका मत जैसा मैंने आपको बता दिया कि अगर जो एक्शन लिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन किसी के खिलाफ अगर वो यूएनएससी के अंदर लिया जाएगा, यूएनएससी के थ्रू लिया जाएगा, तो उसके अंदर में जो रशिया है उनके पास में वीटो पावर है। तो इसके लिए उनके ऊपर कोई भी आप सैंक्शन वगैरह कुछ भी इम्पोज नहीं कर पाओगे। तो रशिया अपना बचाव कर रहा है क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशन लगी हुई है। तो ये हमारी न्यूज़ थी। अब आपको क्या पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 1997 के अंदर में। क्यों बनाई गई थी, क्योंकि उस टाइम एक ट्रीटी आई थी जिसका नाम था केमिकल वेपन कन्वेंशन। अब इस कन्वेंशन के अनुसार बोला गया था केमिकल वेपन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए ही एक पर्टिकुलर बॉडी बना दी गई। जैसे ये आई 1997 के अंदर में, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे केमिकल वेपन कन्वेंशन के, जितने भी केमिकल वेपन किसी कंट्री के द्वारा बनाए गए हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, दूसरा प्रिवेंट किया जाए उनको री एमर्ज होने से, तीसरा वो स्टेट को अगर उनके ऊपर केमिकल अटैक होता है या उनको जानकारी वगैरह केमिकल अटैक के खिलाफ प्रोवाइड करने का काम करेगी ये बॉडी, तो कभी भी केमिकल वेपन का यूज़ ना हो इसको एंश्योर करने का काम करेगी। उसके अलावा ये एंश्योर करेंगे कि केमिस्ट्री का यूज़ आप पीसफुल पर्पजेज़ के लिए करो, केमिकल वेपन बनाने के लिए यूज़ ना करो, और इंटरनेशनल कॉपरेशन एंश्योर करेगी। तो इस कन्वेंशन को 1997 में एनफोर्स करने के लिए इस बॉडी का निर्माण किया जाता है। तो ये जो हमारी बॉडी है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, काम क्या करेगी, इंप्लीमेंट करने का काम करेगी ये केमिकल वेपन कन्वेंशन को, जो कि 1997 के अंदर आई थी। हेडक्वार्टर है हेग नीदरलैंड के अंदर में। मेंबर 193, क्या इंडिया इसका मेंबर है, हाँ इंडिया इसका मेंबर है। और ऑल जो पार्टीज हैं इसकी
केमिकल वेपन कन्वेंशन की, वो ऑटोमेटिकली इसके मेंबर बन जाएंगे। और आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि यूएन के चार ऐसे मेंबर हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के नॉन मेंबर हैं, जैसे इजिप्ट, इजराइल, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सूडान। और इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, इनको 2013 के अंदर में नोबल पीस प्राइज़ मिला था, क्योंकि सीरिया के अंदर इनके द्वारा अच्छा काम किया गया था। तो अभी की न्यूज़ क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन को रशिया के द्वारा बोला गया कि आपका अगर कोई भी आपने एक्शन लेना हो तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से वो पास हो, उनके द्वारा एक्शन लिया जाए जिसके अंदर में हमारी वीटो है, उसका विरोध किया गया। वेस्टर्न जो पावर थी उसी के कारण रशिया के द्वारा एलिगेशन लगाई गई, रशिया के द्वारा बोला गया कि इसको हाईजैक कर लिया गया है वेस्टर्न एजेंडा के द्वारा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आती है कोकोज आइलैंड के ऊपर। तो यहाँ पे प्लास्टिक पॉल्यूशन देखा गया, प्लास्टिक के काफ़ी सैंपल देखे गए। तो अगर लोकेशन की बात करेंगे तो आप देखो इसको इंडियन ओशन के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के टेरिटरी है, कोकोज आइलैंड और क्रिसमिस आइलैंड दोनों ऑस्ट्रेलिया के टेरिटरी हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है इंडियन ओशन के अंदर कौन कौन से आइलैंड हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ओशन के अंदर में कौन कौन सी कंट्री के कौन कौन से आइलैंड हैं, उनके अंदर में कोकोज आइलैंड और क्रिसमिस आइलैंड, इसके साथ में हमारा इंडोनेशिया है, ये आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। अब न्यूज़ के अंदर ये बोला जा रहा है कि कोकोज आइलैंड के ऊपर प्लास्टिक के सैंपल मिले, यहाँ पे प्लास्टिक मिला इसके आसपास। अब ये इतने ज़्यादा यहाँ पे कोई नहीं रहता, ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे कैसे पहुँचे? तो माना गया कि जो हम प्लास्टिक वगैरह यूज़ करते हैं वो ओशियन सर्कुलेशन से पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल रहे हैं, तो ये काफ़ी हमारे लिए ख़तरनाक न्यूज़ है। कोकोज आइलैंड रिसेंट सर्वे के द्वारा बोला गया प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है इस रिमोट आइलैंड के ऊपर भी पहुंच गया है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी है और ये प्रेजेंट है इंडियन ओशियन के अंदर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन इसकी, ऊपर इंडोनेशिया है हमारा, यहाँ जैसे फिर अंडमान निकोबार आइलैंड होंगे हमारे। नेक्स्ट न्यूज़ आती है यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कैनेडा एग्रीमेंट। तो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा एग्रीमेंट रीच किया गया, कैनेडा और मैक्सिको जो टैरिफ लगाए गए थे स्टील और एल्यूमिनियम को, उनको हटा दिया गया। तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए इसको समझने के लिए, फर्स्ट बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट, यूएस, मेक्सिको और कनाडा के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था 1994 में, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसको बोलते थे नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको साइन किया गया था कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट के बीच में। लेकिन जैसे ही ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं, उनके द्वारा कैंपेन के अंदर बोला गया था कि इसके अंदर में काफ़ी बायसनेस है और अमेरिका को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जैसे कनाडा के द्वारा डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर 250% टैरिफ लगा के रखा हो, इतना टैक्स लगा के रखा हो, तो हमारे लिए डेयरी मार्केट ओपन नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हनन करते हैं ये, एनवायरनमेंट को ध्यान नहीं रखते। तो ये सब चीज़ें बोली गई थी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो जब वो सत्ता के अंदर आते हैं तो उनके द्वारा बोला गया कि हम इससे बाहर निकल रहे हैं, ये वाली डील, जैसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर निकले वैसे ही इनके द्वारा बोला गया वर्स्ट डील है, पूरे जो भी यूनाइटेड स्टेट की हिस्ट्री है उसके अंदर में वर्स्ट डील की गई है, तो हम इसको फिर से रीनेगोशिएट करेंगे। अब ये ट्रीटी खत्म हो जाती है, इसके स्थान के ऊपर नई ट्रीटी जो आने वाली है वो है यूनाइटेड स्टेट मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। तो इसी के कारण जब इसको स्क्रैप किया गया तो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम जो कि आते थे कनाडा से और मेक्सिको से, उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया गया, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया, बदले के अंदर में कनाडा के द्वारा भी रिवर्स के अंदर में मेक्सिको के द्वारा रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिया गया इनके ऊपर। अब न्यूज़ आ रही है कि उसको हटा दिया जा रहा है धीरे धीरे करके, और ये ट्रीटी अब फोर्स के अंदर आएगी जिसके अंदर में इनके द्वारा नेगोशिएट कर लिया गया, जिसके अंदर बोला गया कि जो कनाडा और मेक्सिको हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ध्यान रखेंगे, यूएस को मोर एक्सेस देंगे कनाडा की डेयरी मार्केट की जिसके ऊपर इतना टैरिफ लगा के रखा हुआ है, और उसके अलावा जो यूएस है वो उनको कोटा को इंक्रीज़ करेगा कनाडा और मेक्सिको के, जो उनकी ऑटोमोबाइल की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करेगा। तो कुछ कंसेशन यूएस ने दी, कुछ कनाडा के द्वारा दी गई, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है क्या कंसेशन दी, बट आपको याद करना है कि नाफ्टा को हटा के अब यूनाइटेड स्टेट मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट आने वाला है। नेक्स्ट आती है सिम्बेक्स 19। तो कंटेक्स्ट है इंडियन नेवी की शिप कोलकाता शक्ति के द्वारा एक्सरसाइज की गई सिंगापुर के साथ में, तो इंडिया और सिंगापुर की नेवी के द्वारा साथ में मिलकर जॉइंट नेवी एक्सरसाइज की गई जिसका नाम है सिम्बेक्स। तो इसका नाम आपको याद रखना है, सिंगापुर और इंडिया के बीच में है और नेवी एक्सरसाइज है, एनुअली होती है और ये 1993 से हो रही है। फिर नेक्स्ट आया थिन पेनाई रिवर के बारे में न्यूज़ है। तो न्यूज़ आ रही है कि 300 टन स्टोन यहाँ से इस रिवर से निकालने के कारण इस रिवर का कोर्स चेंज हो रहा है। तो पहले रिवर के बारे में अगर देखेंगे तो ये हमारे पास तमिलनाडु, और इस रिवर का ओरिजन है यहाँ पे, यहाँ से देख सकते हैं ये हमारे पास कर्नाटका से ओरिजन है इसका, और ये जा रही ईस्ट के अंदर में, ईस्ट के अंदर जाके बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो रही है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो रिवर का ओरिजन क्या है, दूसरा कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, ईस्ट के अंदर है या वेस्ट के अंदर है, फिर बे ऑफ बंगाल में जा रही है या अरेबियन सी में जा रही है, इतनी नॉलेज होगी तो काम चल पड़ेगा। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, जैसे साउथ पेनार रिवर बोला जाता है इसको, या थिन पेनैयारू रिवर बोला जाता है तमिल के अंदर में, या दक्षिण पिनाकिनी रिवर बोला जाता है कन्नड़ा के अंदर में, और इसको पोन्नैयार रिवर भी बोला जाता है। तो रिवर के डिफरेंट नेम आपको पता होना चाहिए,
कंफ्यूज करने के लिए अगर बोला गया तो उसमें आपको पता होना चाहिए। ओरिजन होता है इसका नंदी हिल से, जो कि चिकाबल्लीपुरा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से इसका ओरिजन होता है, कर्नाटका से ओरिजन होगा और जाएगी बे ऑफ बंगाल के अंदर में, ईस्ट में फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती है। तो इतना ही आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। उसके अलावा रिवर्स के अंदर में नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करते हुए कि ऊपर कौन सी रिवर आएगी, नीचे कावेरी रिवर इसके नीचे आएगी या ऊपर आएगी, उसके बारे में पता होना चाहिए। गोदावरी ऊपर है, कृष्णा ऊपर है, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारे पास डाइवर्जेंस के बारे में। तो बैड लोन डाइवर्जेंस के बारे में न्यूज़ है। कंटेक्स्ट के अंदर आता है कि एटलीस्ट 3 पब्लिक सेक्टर बैंक में रिपोर्ट किया गया, उनके अंदर में इस जनवरी और मार्च वाले क्वार्टर के अंदर में डाइवर्जेंस देखी गई बैड लोन के अंदर में। तो सबसे पहले अगर बैड लोन की बात करेंगे तो बैंक का मेन काम क्या होता है, बैंक देता है लोन, आपको लोन प्रोवाइड करवाएगा, डिपॉजिट लेगा, लोन प्रोवाइड करवाएगा। लोन प्रोवाइड करवाने के बाद में अगर 90 डेज तक आप इंटरेस्ट उसका पे ना कर पाओ तो उसको बोलेंगे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो बैंक लोन देता है वो उनके लिए एसेट होती है, उनके लिए कमाई होती है उससे। तो नॉन परफॉर्मिंग मतलब उससे कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, उनको कुछ नहीं मिल रहा। ऐसी कंडीशन के अंदर में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कंडीशन के अंदर में आरबीआई के द्वारा उनको बोला जाता है कि अगर आप लोन देते ही रहोगे, जैसे आप कंटिन्यूसली लोन देते रहोगे तो आपके पास में पैसे कम बचेंगे, अगर कोई मार्केट के अंदर शॉक आता है तो आपको नुकसान होगा और बैंकिंग सिस्टम फेल हो सकता है। तो उनको बोला जाता है अगर मान लो आपका 100 रुपये का लोन फेल हो गया, आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो आप एटलीस्ट, वो टाइम के हिसाब से होता है जैसे 15% या 40%, आप 40 रुपये जैसे उसके साइड में रख दो, जिसको बोलेंगे प्रोविजनिंग, उस साइड में रखो एक तरीके से रिजर्व के तौर के ऊपर। अगर 100 का लोन आपका फेल हो गया तो 40 रुपये आप रख दो रिजर्व के तौर के ऊपर। अगर 200 फेल हो गया तो 80 रुपये रखोगे रिजर्व के ऊपर। अगर मान लो आपका बैंक फेल होने के कगार पे आता है तो आपके पास में एटलीस्ट रिजर्व मनी होंगे। तो वो बैंक की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आरबीआई के द्वारा ऐसा बोला जाता है। लेकिन अब इससे नुकसान क्या होता है, बैंक ने लोन दिया 100 रुपये का, 100 रुपये डिफॉल्ट हुए तो इसका मतलब 100 रुपये का लॉस हुआ। उसके अलावा 100 रुपये के ऊपर अगर 40 रुपये प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, उसका मतलब 40 रुपये भी आपके उस 40 रुपये लोन में नहीं कमा सकते आप। अगर लोन नहीं दे सकते वैसी कंडीशन के अंदर में, वो आपके लिए वेस्ट मनी होगा, उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बैंक क्या करते हैं, बैंक चुपचाप अंडर रिपोर्टिंग करते हैं कि हमारे तो 50 रुपये गए सिर्फ नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर में, और होते 100 हैं लेकिन 50 गए सिर्फ, तो 50 की इन्होंने अंडर रिपोर्टिंग कर दी। इसी कंडीशन को बोलते हैं डाइवर्जेंस। जब आप अंडर रिपोर्टिंग करते हो, जितनी आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट थी, अगर 100 थी तो आप 50 बताओगे, तो 50 जो है वो डाइवर्जेंस कर दिया आपने, जो आरबीआई की गाइडलाइंस थी उनसे आपने डाइवर्जेंस की, तो उसका मतलब हुआ डाइवर्जेंस करना उससे। तो डाइवर्जेंस का मतलब जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है कि लेंडर मतलब कोई बैंक अंडर रिपोर्टिंग कर रहा है, बैड लोन की अंडर रिपोर्टिंग कर रहा है, उन्होंने बैड लोन तो उनके काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन उनके द्वारा कम बताए गए। क्यों कम बताए गए, क्योंकि उनको जितना ज़्यादा बताएंगे उतनी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा प्रोविजनिंग करेंगे उतना कम पैसा बचेगा उनके पास में और उतनी कम कमाई होगी उनकी। तो यही इनके द्वारा देखा गया कि 3 पब्लिक सेक्टर बैंक में देखा गया इस क्वार्टर के अंदर में, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर में, कि उनके द्वारा डाइवर्जेंस की गई थी, उनके द्वारा अंडर रिपोर्टिंग की गई थी बैड लोन की। ये क्यों किया जाता है, बिकॉज हाई प्रोविजनिंग है, अगर जितना ज़्यादा आप छुपाओगे इसको, अंडर रिपोर्टिंग करोगे, उतना कम आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। अगर आप प्रोविजनिंग, अगर आपने बैड लोन के बारे में पूरा बताया तो आपको प्रोविजनिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिससे कम पैसा बचेगा आपके पास। इसीलिए इनके द्वारा हाई प्रोविजनिंग डाइवर्जेंस इसीलिए इनके द्वारा की गई। तो नेक्स्ट इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, डाइवर्जेंस क्या होती है, बैड लोन क्या होता है, एनपीए 90 डेज होता है जनरली इंडिया के कंटेक्स्ट में, लेकिन हर लोन के हिसाब से वो बदल भी सकता है। 90 डेज तक अगर उसका इंटरेस्ट वगैरह या जो पूरा अमाउंट है वो पे नहीं किया तो उसको बैड लोन बोल देंगे हम, और उसी केस के अंदर अगर आप उसको अंडर रिपोर्ट करोगे, उसको छुपाओगे, तो डाइवर्जेंस की जो आरबीआई के रूल थे उनसे डाइवर्ज हुए आप, तो उसी को बोलेंगे डाइवर्जेंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हॉर्नबिल के बारे में न्यूज़ है, जो कि पैकेट टाइगर रिजर्व के अंदर देखने को मिलता है। तो स्टडी कैरी आउट की गई पैकेट टाइगर रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। वैसे आपको कुछ जो मेन हमारे टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल में पता होना चाहिए, लेकिन जो भी न्यूज़ के अंदर आता है उसकी लोकेशन एटलीस्ट पता होनी चाहिए। पैके टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के अंदर है और उसमें नोट किया गया कि हॉर्नबिल जो है एक लार्ज साइज का बर्ड होता है, फ्रूट ईटर फ्रूगीवोरस, वो टॉप सी डिस्पर्सल है। तो ये वाला बर्ड, इसकी बात की जा रही है। अब न्यूज़ के अंदर क्या बोला गया, न्यूज़ के अंदर बोला गया कोई भी प्लांट होता है, अब हमें पता है प्लांट ट्रैवल नहीं कर सकता एक प्लेस से दूसरे प्लेस। अब प्लांट के जो सीड होते हैं अगर नॉर्मल कंडीशन में, वो क्या होगा, नीचे गिरेंगे, उसी प्लेस के ऊपर गिरेंगे, उसी प्लेस के ऊपर प्लांट पैदा होंगे। तो वहाँ पे सीड ज़्यादा होने की वजह से कई बार ओवर क्राउडिंग भी हो जाती है, कई बार न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट की कमी होने के कारण वो सीड ग्रो नहीं कर पाते। तो कुछ हमारे नेचर के अंदर में एक मैकेनिज्म है जिसके अनुसार वेरियस जो ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, वैसे ही हॉर्नबिल क्या करता है, फ्रूट को खाता है, फ्रूट को खाता है, ये फ्रूट को, पूरे फ्रूट को निगल जाता है। उसके बाद में उनको जब ये दूर जाएगा, काफ़ी दूर प्लेस, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, वहाँ पे उनको छोड़ आएगा, तो सीड जो है सीड को डिस्पर्स करता है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो इस प्लेस के ऊपर और दूसरे प्लेस के ऊपर भी, वो प्लांट को भी फायदा हो गया,
प्लांट को फ़ायदा हो गया, उनके सीड चले गए तो उनकी प्रोजेनी इंक्रीज हो गई, और इसको फ़ायदा हो गया, इसको फ्रूट मिल गए। तो इस तरीके से नेचर वर्क करता है। तो ये इनके द्वारा स्टडी की गई और बोला गया सबसे ज़्यादा कोई भी बर्ड जो है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, सीड की जो डिस्पर्सल कर रहा है, वो ये वाला बर्ड है हॉर्नबिल। तो ये बोला गया इनके द्वारा, ये फ्रूट को पूरा खा जाता है जिससे सीड को कोई डैमेज नहीं होती, और उसके बाद जब ये ट्रैवल करेगा दूर दूर के प्लेसों में, जैसे 13 किलोमीटर, वहाँ पे उनको छोड़ आएगा। तो इंडिया के अंदर में 9 प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं हॉर्नबिल की, जिसमें से ग्रेट हॉर्नबिल सबसे फेमस है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, इंडिया में भी मिलता है, इंडियन सब कंटिनेंट में हमारे श्रीलंका वाले रीजन में, और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में भी देखने को मिलता है, म्यांमार एंड अदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ये हमारा हिमालयन जो फूड है वहाँ पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, थोड़ा साउथ के अंदर पाया जाता है। IUCN के स्टेटस के अनुसार नियर थ्रेटेंड है, और इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि ये स्टेट बर्ड है केरला का और अरुणाचल प्रदेश का, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी नागालैंड के अंदर में एक फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो उससे कई बार कन्फ्यूज़ कर लिया जाता है कि नागालैंड का स्टेट बर्ड होगा ये, लेकिन ये नागालैंड का स्टेट बर्ड नहीं है। हालांकि वहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन वहाँ का स्टेट बर्ड नहीं है, ये केरला और अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है। उसके अलावा जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो कि एक NGO है जो कि कंजर्वेशन के लिए काम करता है एनवायरनमेंट की, उनका सिंगल उनका लोगो जो है वो इस बर्ड के द्वारा यहाँ पे देख सकते हो, ये बर्ड उनके लोगो के अंदर देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी पॉपुलर बर्ड है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, और शायद आया, एक बार क्वेश्चन आया हो इसके ऊपर, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी प्रीलिम के अंदर क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। तो NGO है, कंजर्वेशन के लिए काम करता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे पैके टाइगर रिजर्व के बारे में, तो लोकेशन पता होनी चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में इसकी लोकेशन है, और पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। लोकेटेड है ये कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। उसके अलावा इसके आसपास की अगर एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो साउथ और साउथ ईस्ट के अंदर में एक सेंचुरी है, नमेरी नेशनल पार्क है इसके साउथ और साउथ ईस्ट के अंदर में, ईस्ट के अंदर में पैके रिवर, ईस्ट के अंदर में पैके रिवर, और वेस्ट के अंदर में बरेली या कामेंग रिवर। तो इसके वेस्ट के अंदर में बरेली या कामेंग रिवर देखने को मिलती है, तो ये याद भी ना हो तो भी चल पड़ेगा, लोकेशन याद रखना इसकी बस। फिर आए नेक्स्ट हमारी अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में न्यूज़ है, तो अल्जाइमर बीमारी के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद न्यूज़ देखते हैं। तो अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है, प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, प्रोग्रेसिव का मतलब टाइम के साथ में इंक्रीज़ होती जाएगी, और ये डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन के जो सेल होते हैं वो डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, डाई होना शुरू होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये हेल्दी ब्रेन है और दूसरे में इसके सेल डाई करना शुरू कर गए। अगर सेल डाई करना शुरू करेंगे तो आपकी मेमोरी लॉस धीरे धीरे करके होता रहेगा, और एक टाइम आएगा उसके बाद में आप सब कुछ भूल जाओगे, बेसिक जो चीज़ें होंगी उनके अलावा आप सब कुछ भूल जाओगे। तो इसके अंदर में ब्रेन के जो सेल हैं वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं अल्जाइमर बीमारी। कारण क्या होता है इसका? कारण के बारे में अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है कि एक्चुअल में क्यों होता है, लेकिन माना जाता है कि ये जीन्स के अंदर में, ह्यूमन की जीन्स के अंदर में कुछ चेंजेस होने के कारण होता है, या लाइफस्टाइल के कारण या एनवायरनमेंट के कारण हमारे दिमाग के ऊपर असर पड़ता है, या एज के अनुसार जब आपकी एज होने लगती है तो उस टाइम ये बीमारी होने लगती है और सेल आपके डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। सिम्टम आता है इसके अंदर में कि आप फॉरगेट करने लगते हो, रिसेंट के अंदर क्या इवेंट हुए थे, कन्वर्सेशन क्या हुई थी, वो आप फॉरगेट करने लगोगे, और ये डिमेंशिया का भी कॉज बनता है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया का मतलब कि ऐसी कंडीशन होना, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर में आपकी मेमोरी लॉस हुई और उसके कारण आप डेली लाइफ के जो वर्क होते हैं, लाइफ के जो डेली वर्क होते हैं उनको करने में आप असक्षम हो। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, अगर मान लो आपको बुखार हुआ उसी के कारण इतनी बीमारी हो गई जिससे डिमेंशिया हो गया, तो डिमेंशिया किसी भी कारण हो सकता है आपको, अल्जाइमर उसमें से काफ़ी बड़ा कॉज है। डिमेंशिया का जर्नल मतलब ये कि आपकी मेमोरी का इतना लॉस हो गया कि आप डेली के वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो वो किसी भी बीमारी के कारण हो सकता है, अल्जाइमर उसमें से एक प्रमुख कॉज है डिमेंशिया होने का। दूसरा, अल्जाइमर क्या होता है? ब्रेन के सेल जब डिजनरेट होने लगते हैं धीरे धीरे तो वो अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, उस कंडीशन को हम अल्जाइमर बोलेंगे, और ये प्रोग्रेसिव है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा ये और ज़्यादा डिजनरेट होते जाएंगे। ट्रीटमेंट इसका कोई क्योर नहीं है। अब कंटेक्स्ट न्यूज क्यों आई, एक स्टडी की गई जिसके अंतर्गत में इनके द्वारा बोला गया कि मैग्नेटिक स्टिमुलेशन अगर की जाती है ब्रेन की, रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के अंदर, तो उससे इंप्रूव की जा सकती है मेमोरी को। तो इनके द्वारा बोला गया रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। अब अगर कोई कुछ कंडीशन होती है, जैसे मान लो ये हमारा ब्रेन है, कुछ कंडीशन जैसे आपको पैरालिसिस है, या कोई आपका सेंस ऑर्गन काम करना बंद कर दिया है, आंखें काम करना, या ब्रेन जिसके मतलब ब्रेन के अंदर कोई इशू है जिसके कारण आंखें, कान या कोई और सेंस ऑर्गन काम करना बंद कर दिया है, या पैरालिसिस है, वैसी कंडीशन के अंदर में आपको मैग्नेटिक स्टिमुलेशन की जाती है ब्रेन के अंदर में, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन पैदा की जाती है उस पार्ट के अंदर में ब्रेन के जिस पार्ट से स्टिमुलेट होता है। जैसे मान लो पैरालिसिस है, टांगे नहीं चल रही, तो आप जो पार्ट उसको कंट्रोल करने वाला होगा उसके अंदर में स्टिमुलेशन देंगे, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देंगे इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा।
उसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। अब इनके द्वारा बोला गया अगर रिपीटेटिव मैग्नेटिक स्टिमुलेट करेंगे किसी ब्रेन के हिस्से को रिपीटेटिव स्टिमुलेट करेंगे तो ये जो है इसको रोका जा सकता है, इसको आगे रिसर्च करने की आवश्यकता है, लेकिन ये न्यू थेरेपी बन सकती है अल्जाइमर के लिए। तो ये हमारी न्यूज़ थी, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, अल्जाइमर के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर न्यूज़ आती है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी के बारे में। तो जैसा नाम से पता लग रहा है ये नेशनल है, फार्मास्यूटिकल को की प्राइजिंग को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी ने स्लैश किया प्राइजेज 9 नॉन शेड्यूल कैंसर ड्रग के प्राइजेज को 87% तक कम किया। तो अगर जैसे बीमारियाँ हमारी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं, जैसे हमारे पास ड्रग्स हैं किसी भी बीमारी के लिए ड्रग्स, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो अपने रेट के ऊपर उसको बेचेगी, लेकिन हम क्या करते हैं जो कॉमन मैन है उनको अगर आपको अच्छे प्राइस के अंदर उपलब्ध करवानी है, अब हर पर्सन जो है आपकी 60,000-70,000 की दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ बीमारियाँ जो काफ़ी कॉमन होती हैं जैसे बुखार की, वैसी बीमारियों के लिए जो दवाई होगी वो काफ़ी सस्ती बिकनी चाहिए। उसके लिए सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा एक ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जारी किया जाता है जो रिसेंट 2013 वाला है, जिसके अंतर्गत में उनके द्वारा डायरेक्शन दी जाती है किस तरीके से प्राइस को कंट्रोल किया जाए, कौन कौन सी ड्रग्स के प्राइस को कंट्रोल किया जाए, कैसे किया गया, एक ब्रॉड ओवर लाइन देती है और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी काम करती है। अब जो ड्रग्स हैं वो सब लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए, उसके लिए सरकार क्या करती है दो तरीके वाली लिस्ट बनाती है, एक शेड्यूल, यहाँ पे नॉन शेड्यूल, एक शेड्यूल ड्रग, दूसरी नॉन शेड्यूल। शेड्यूल के अंदर में वो डालेंगे जिनकी प्राइसिंग को कैप कर दिया जाएगा, उनको बोला जाएगा आप 10 रुपये से ऊपर नहीं बेचोगे, या एक पर्टिकुलर कैपिंग की जाएगी, इतने ऊपर बेच नहीं सकते आप, बिकॉज हर पर्सन को उनकी आवश्यकता होती है, तो उनको रखा जाएगा शेड्यूल ड्रग में। कुछ होंगी नॉन शेड्यूल जिनका प्राइस आपने कंट्रोल नहीं किया अभी, लेकिन उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब न्यूज़ के अंदर क्या बोला गया, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा नॉन जो शेड्यूल ड्रग थी 9, उनके प्राइस को कम किया गया क्योंकि कॉमन मैन के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ रही थी वो। तो आपको पता होना चाहिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो कि काम करती है ड्रग्स का जो प्राइस है उसको रेगुलेट करती है। उसके अलावा ड्रग्स आपको अवेलेबल हों, असेसिबल हों, अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर, उन सब के बारे में ये बातें करती है, ये सब इसका काम है। हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसको इंडियन रिजोल्यूशन से बनाया गया था 1997 के अंदर में, और पेरेंट इसकी मिनिस्ट्री हो सकता है आपको लगे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आएगा, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आ रहा है, जिसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा ये अथॉरिटी पब्लिश करती है लिस्ट ऑफ मेडिसिन, उनकी मैक्सिमम सीलिंग कितना प्राइस हो सकता है, मैक्सिमम कितना आप बेच सकते हो अंडर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो कि 2013 में आया था रिसेंट में। और अगर पूछा जाए कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ये गवर्नमेंट के द्वारा पास किए जाते हैं और कौन से एक्ट के अंतर्गत पास किए जाते हैं, ये किए जाते हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो कि 1955 का हमारा एक्ट है, 1955 का हमारा एक्ट है, उसके अंतर्गत में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर पास किया जाता है। उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी क्या करती है, ड्रग्स की प्राइसिंग को इंश्योर करती है, उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करती है। उसके अलावा न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट न्यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ रही है, एविडेंस मिला, वाटर मिला हमें अल्टीमा थ्यूले के ऊपर। अल्टीमा थ्यूले एक बॉडी है जो कि पाई जाती है हमारी काइपर बेल्ट के अंदर में। तो पहले देख लेते हैं इस बेल्ट के बारे में। तो ये हमारा प्लैनेट सिस्टम है, यहाँ पे हमारे पास सन, और यहाँ से प्लैनेट के बाहर अगर आप जाते रहोगे तो हमें नेपच्यून मिला, लास्ट प्लैनेट हमारा। नेपच्यून के बाहर एक बेल्ट है जिसके अंदर में ऑब्जेक्ट होंगे, इसमें एस्ट्रॉयड मिल जाएंगे, कॉमेट मिल जाएंगे, रॉकी बॉडी मिलेंगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हमारा जब सोलर सिस्टम बन रहा था उस टाइम ये बन नहीं पाए, एक प्लैनेट नहीं बन पाए, ये वहाँ भी इकट्ठा हो गए। तो ये है हमारी काइपर बेल्ट। इस बेल्ट के अंदर में नासा के द्वारा एक मिशन भेजा गया जिसका नाम था न्यू हॉरिजॉन मिशन। न्यू हॉरिजॉन मिशन के द्वारा उसका काम था कि आपने प्लूटो की इमेजेस लेनी है, उसके अलावा इस काइपर बेल्ट के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट होंगे उनकी भी आपने पिक्चर्स लेनी है। तो ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट है काइपर बेल्ट के अंदर जिसका नाम है अल्टीमा थ्यूले। तो अल्टीमा थ्यूले ऑब्जेक्ट के ऊपर अब जब हमारा न्यू हॉरिजॉन मिशन इससे पास हुआ तो इसके द्वारा खोज की गई कि वहाँ पे पानी के एविडेंस है। इनके द्वारा एनालाइज किया गया न्यू हॉरिजॉन मिशन के द्वारा, और इनके द्वारा बोला गया कि अल्टीमा थ्यूले के ऊपर हमें पानी देखने को मिलता है। और आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो अल्टीमा थ्यूले ऑब्जेक्ट है, एक एस्ट्रॉयड बोल सकते हो जो कि हमारा काइपर बेल्ट के अंदर प्रेजेंट है, और इस टाइप की शेप है इसके अंदर, इस टाइप का है ये देखने के अंदर में, और ये बाइनरी था पहले सिस्टम। जैसा मैंने बताया था मोस्टली हमारी बॉडी जो होती हैं सोलर सिस्टम में बाइनरी फॉर्म में होती हैं, डबल डबल फॉर्म में होती है और एक दूसरे को रिवॉल्व कर रही होती हैं। तो ये साथ में मिल गए एक दूसरे के, अल्टीमा थ्यूले। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा काइपर बेल्ट के अंदर। दूसरी बात, न्यू हॉरिजॉन मिशन भेजा गया था नासा के द्वारा 2006 में, ऑब्जेक्टिव था प्लूटो की स्टडी करनी, उसके अलावा काइपर बेल्ट के अंदर में एक या दो ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी, जिनमें से एक हमारा अल्टीमा थ्यूले ऑब्जेक्ट आ रहा है।
तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा काइपर बेल्ट के बारे में पता होना चाहिए, जिसको एजवर्थ काइपर बेल्ट भी बोलते हैं। तो ये सोलर सिस्टम के बाहर देखने को मिलेगी, जो हमारा लास्ट प्लेनेट है उसके बाहर, नेपच्यून के बाहर ये देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में ध्यान रखना। तो आज के हमारे करंट अफेयर खत्म होते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। थैंक यू।